प्रदेश सरकार गरीबों के लिए रोजगार के साथ साथ भरपेट भोजन की व्यवस्था कर रही है। दरअसल सरकार गरीबों को सस्ता खाना मुहैया करवाने की योजना लेकर आई है और ऐसे में मनोहर सरकार की गरीब हितेशी योजना के अंतर्गत पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी में शहर में दूसरी कैंटीन की शुरुआत की गई, जिसमें गरीबों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। कहते हैं घर के खाने की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, खासकर तब जब आप रोजी रोटी के लिए घर से मीलों दूर। लेकिन हरियाणा सरकार इस कमी को भी पूरा करने की कोशिश कर रही है, वो भी मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना देकर। जी हाँ, सही सुना आपने, मुख्यमंत्री अंत्योदय आहार योजना के तहत पानीपत में एक ऐसी कैंटीन खुल गई है जहाँ मात्र 10 रुपए में श्रमिक समेत अन्य लोग भी भरपेट खाना खा सकेंगे। हरियाणा के लेबर डिपार्टमेंट में और जो गरीब मजदूर होते हैं उनको सस्ते दाम पर केवल 10 रुपये में और बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाना खिलाने के लिए योजना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पानीपत में पहले से भी हमारी 2 कैंटीन चल रही हैं, मोबाइल कैंटीन भी चल रही हैं। तो आज इस कैंटीन में और हमने जो इस इलाके के मजदूर हैं, जो कि अभी मैंने मजदूरों से बात भी की है, कोई 60 रुपए में, कोई 80 रुपए में, कोई 100 रुपए में खाना खाता है। उन गरीब मजदूरों को जो कि अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं, केवल 10 रुपए में बहुत ही सस्ता, आपने भी क्वालिटी देखी होगी, बहुत ही अच्छे खाने की क्वालिटी भी है। तो हमारे प्रयास है कि गरीब मजदूरों को केवल 10 रुपए में और अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले। श्रम विभाग की तरफ से शुरू की गई इस योजना से ना सिर्फ गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा बल्कि 10 से 15 महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह के प्रधान ने बताया कि सरकार की बेहद अच्छी योजना है, जिससे ना सिर्फ गरीबों को भोजन मिल रहा है बल्कि जो महिलाएं घर तक सीमित थी उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं जी, घर जैसा खाना दे रहे हैं। जैसे एक बोल लो ना, एक माँ के हाथ का बना हुआ खाना जो लड़का तरसता है, वो यहाँ आके, प्रदेश में आके, जहाँ परिवार नहीं है उनके, वो आके यहाँ खा रहे हैं। और इससे अच्छी बात और क्या है, उन्हें उनके मन का खाना मिल रहा है परिवार की तरह। खाने में सब्जी है जी, दाल है, चावल है, रोटी है, अचार है, सलाद है। वही कैंटीन में भोजन करने पहुंची मजदूरों ने बताया कि इस कैंटीन के खुलने से उनकी काफी बचत हो रही है। सस्ता भी है और अच्छा भी है, साफ सफाई भी बहुत कुछ है। हाँ जी, सब कुछ फायदा हो रहा है। कम पैसों में अच्छा खाना मिलना श्रमिकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मुख्यमंत्री अंत्योदय आहार योजना श्रमिकों को खाने के साथ साथ अच्छी सेहत और पैसों की बचत का तोहफा दे रही है। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की।